अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि टेलनेट का पासवर्ड कैसे सेट किया जाता है। तो स्विच की कंसोल के ऊपर आएंगे हम, और यहाँ पर मैंने क्योंकि कंसोल का पासवर्ड दिया था, अब हम टेलनेट का पासवर्ड जो है देंगे। इसमें इनेबल आएंगे और उसके बाद कॉन्फ़िग टर्मिनल में आएंगे, लाइन VTY04, और इसका पासवर्ड मैं रख देता हूँ सिस्को, और लॉगिन कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद अब ये तो सेट हो गया। अभी हमें VLAN के ऊपर IP देनी पड़ेगी, क्योंकि किसी न किसी IP को तो यानी टेलनेट के लिए तो हमें कोई ना कोई IP की तो ज़रूरत होती है, और वो जो है IP आपके PC के सबनेट वाली हो, यानी एक ही नेटवर्क का पार्ट हो। तो हम इसको 1.100 कर देते हैं, और सबनेट मास्क 255.255.255.0 कर देते हैं, नो शटडाउन कर देते हैं। और यहाँ से आप पिंग करके देखें कि आपके PCs वगैरह इसको रेस्पॉन्ड देते हैं या नहीं। तो ये देखें, पिंग का रिप्लाई आ गया। अब सिंपली आप इसके ऊपर जाएंगे, स्विच के ऊपर, और जाहिर की बात है आप अगर रियल एनवायरनमेंट में काम करते तो किसी सॉफ्टवेयर पुटी वगैरह या किसी उसके थ्रू जाते। हम टेलनेट करेंगे तो हम टेलनेट की यहाँ पर IP देंगे 192.168.1.100, जो कि स्विच की IP है। कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने के बाद पासवर्ड इसका था सिस्को, तो हम सिस्को देकर इस स्विच में आ गए। तो ये सिंपल एक मेथड था और पासवर्ड वगैरह सेट करने का, और इसका इनेबल का भी पासवर्ड देना पड़ता है ताकि जो है ना वो स्विच की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आ सके। हमने नहीं दिया था तो हम इसी लैब में इनेबल सीक्रेट का भी पासवर्ड सिस्को कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमारा टेलनेट जो है वो प्रॉपर काम कर ले। तो अभी हम स्विच के ऊपर आ गए, ठीक है। तो ये सिंपल मेथड था टेलनेट की कॉन्फ़िगरेशन यानी पासवर्ड कॉन्फ़िगरेशन का। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। दुआओं में याद, अल्लाह।